हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। आज हम बात करेंगे जॉब और बिजनेस की, दोनों में क्या डिफरेंस है, जॉब में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में नहीं होती, बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो जॉब में नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले जॉब लाइफ की, जॉब लाइफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जॉब लाइफ को हम कुछ पॉइंट में समझते हैं कि पॉइंट हमारे पास क्या क्या है जॉब लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जॉब लाइफ जो होती है वो ईजिली और कंफर्टेबल होती है एज ए कम्पेयर टू बिजनेस लाइफ। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा कि आपको ये पता होता है कि आपके लास्ट मंथ में आपकी सैलरी जो होगी आपके बैंक में आ जाएगी, और आपको पूरे की श्योरिटी रहती है कि आपकी जो सैलरी होगी वो आई जाएगी आपके लास्ट मंथ में आपके बैंक के अंदर। अगर हम बात करें कि तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि इसमें जो है रिस्क ना के बराबर होता है, अगर रिस्क होता तो बहुत ही कम होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर का यही होता है कि रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं, हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो मोस्टली जॉब लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कुछ लोगों के लिए, उनको रिस्क नहीं लेना होता है, उनके लिए मोस्टली जॉब लाइफ ही कंफर्टेबल रहती है। और कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर हम जॉब लाइफ में अपनी अच्छा काम करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमारा जो प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन होने के बाद हमारी सैलरी बढ़ सकती है। और लोग कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी सैलरी जब बढ़ जाएगी तो हम थोड़ी और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और एक बात और होती है इसमें कि अगर आपको आपके घर वालों को पता होता है कि आप किस टाइम पे आने वाले हैं, मतलब आपके घर वालों को एक सूटेबल टाइम पता होता है कि आप शाम को इतने बजे अपने घर में आ सकते हैं, और अपने घर में आने के बाद अपने घर वालों को टाइम दे सकते हैं, और अपने घर वालों के साथ बैठ के आप अपना डिनर कर सकते हैं, आप इस टाइम पर आ सकते हैं, उनको एक पक्की श्योरिटी रहती है कि आप इसी टाइम पर आ जाएंगे घर। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें बिजनेस में बिल्कुल नहीं होती हैं, बिजनेस में काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं, अगर आपको अलग अलग चीज़ें काम करने में इंटरेस्ट है और आपको कुछ ज़्यादा ऑर्डिनरी करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आपको तो अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब करने के एक महीने बाद, दो महीने बाद ही आप बोर होने लगेंगे जॉब से और जॉब आप छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं बिजनेस लाइफ की, तो बिजनेस लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर हम बात करें बिजनेस लाइफ की, तो बिजनेस लाइफ में जो होता है हमारा कि हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सकता है, मतलब हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा अर्निंग तो कर सकते हैं लेकिन उसमें हमें मेहनत भी उसी तरीके करनी पड़ती है। हमारी जो अर्निंग होती है ये हार्ड वर्क से हमारी और हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है किसी चीज़ को करने का उस पर डिपेंड करती है। हमारी अर्निंग टोटल अर्निंग हमारी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम किसी काम को कितना अच्छा कर सकते हैं, अपना बिजनेस को हम कितना अच्छा चला सकते हैं। लेकिन यहाँ जितनी ही रिवॉर्ड की गारंटी होती है उतनी आपको लॉस की गारंटी भी हो सकती है। आपकी हो सकता है कई बार रिस्क यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है और आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। रिस्क ये होता है कि आपको कई बार ये भी होता है कि अगर आपकी कंपनी लॉस में चली गई, अगर आपने कोई बिजनेस खोला वो लॉस में चला गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी जा सकती है पूरी की पूरी, या आप माइनस में भी जा सकते हैं। यहाँ ये भी है कि आप जब मर्जी काम कर सकते हैं, जब मर्जी काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आपका जब मन करे तब काम कर रही है, आपको कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं होता है। तो बिजनेस लाइफ में ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं होता। और जो जॉब लाइफ में होता है कि आपको जो बॉस होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपने काम ऐसा नहीं करा, आपने काम ऐसा नहीं करा। लेकिन ये बिजनेस लाइफ में होता है कि आप जब मर्जी जैसे मर्जी काम करिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है, आप उसको खुद देख रहे हैं। अगर आपको लॉस होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, अगर आपको बेनिफिट होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। कई लोग ये भी सोचते हैं कि बिजनेस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है, आपका जब मन करे तब काम करो, जब मन करे तब आप काम मत करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बिजनेस लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है। हालांकि ये है कि आपका जब मन करे तब काम करो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप एक जॉब होल्डर से कम काम करते हो। अगर आप एक तरह से देखा जाए कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं वो एक जॉब होल्डर से 2-3 गुना ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो उनका खुद का काम है तो उनको काफ़ी हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि आप अगर किसी शॉप में आते हैं, वो शॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ी शॉप है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, मतलब 2 या 3 ब्रांचेज होंगी, तो 2 या 3 जो ब्रांचेज होंगी तीनों में आप देखेंगे कि वहाँ पर खाली मैनेजर बैठे रहेंगे, ना कि वहाँ पर जो ऑनर होगा वो बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनर होगा वो कुछ और ही काम कर रहा होता है उस टाइम पे। तो बिजनेसमैन का यही होता है कि वो कुछ ना कुछ एनी टाइम करते रहते हैं, कुछ अलग करते रहते हैं। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपनी फैमिली से भी और अपनी जो सोशल सोसाइटी होती है उससे भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, और स्पेशली स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन।
तो यही चीज़ होता है बिजनेस में कि आपको जो अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग अच्छी करी है तो आपका आगे भी अच्छा होता जाएगा। अगर आपकी स्टार्टिंग ही बेकार है तो आप हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाएं। स्टार्ट करते करते अगर आपकी स्टार्टिंग बेकार है तो स्टार्ट करने के बाद ही आप बंद कर दें, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग हुई है वही बेकार हुई है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको जो है इसमें यह भी होता है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी जो सोसाइटी होती है, आस पड़ोस के लोग होते हैं या आपके जो रिलेशनशिप वाले होते हैं, रिलेशन में आते हैं जो लोग, आप उनको भी बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा कम बात कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पेंशन देने वाला नहीं है और आपके कोई रिटायरमेंट नहीं है। मतलब कि आपको आगे चल के, अगर आप एक बिजनेस मैन है तो आगे चल के आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी और कोई भी आपको रिटायरमेंट नहीं देने वाला नहीं है। तो क्योंकि आपके खुद का बिजनेस है, आप खुद काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ही देखनी पड़ेंगी। आपको आगे फ्यूचर के लिए भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें एक जॉब होल्डर के लिए होती हैं कि पेंशन उनको मिलती है, रिटायरमेंट उनको मिलती है, एक बिजनेस मैन को कभी ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। फाइनली बिजनेसमैन की हम एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि अगर आपने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली है, काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना चला लिया है, आपने आपका काफ़ी अच्छे बिजनेस चल गया है, आपके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप एक लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। मतलब आपके पास गाड़ियाँ होंगी, आपके पास बंगले होंगे, आपका ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकेस अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो अगर आपने काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपके अगर स्टार्टिंग में ही आपकी बिजनेस में लॉस होने लगा तो आप माइनस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी बहुत, जिस तरह से रिस्क है उसी तरह से रिवॉर्ड भी है। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये कुछ डिफरेंस था बिजनेसमैन और जॉब लाइफ के बारे में, कि एक बिजनेसमैन की लाइफ कैसी होती है, एक जॉब होल्डर की लाइफ कैसी होती है। तो गाइस आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज, प्लीज कमेंट में जरूर लिखेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए, जिससे कि आप हमारे कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।